आम लोकसभा चुनाव को मद्देनजर अलवर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को समर्थकों की मौजूदगी में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद शुक्रवार को किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का तूफानी दौरा कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र ने किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का तूफानी दौरा करते हुए कहा कि अलवर जिले का चहुंमुखी विकास ही उनका सपना है। अलवर को देश के नक्शे पर अव्वल लाना ही उनका सपना है। उनके पूर्वजों ने भी अलवर का नाम ऊंचा रखा था और वो भी अलवर जिले के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से अलवर के लिए काला अध्याय रहा, जिसमें चंबल का पानी, ईएसआई अस्पताल, सैनिक स्कूल, हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन सहित कार्गो एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजनाएं बंद करके जिले के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। अब लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देकर सबक सिखाएगी। बाहरी व्यक्ति जिले का विकास नहीं करा सकता और नहीं पहले भी कराया है, जिसे जिले की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों का भी ज्ञान नहीं है, वे क्या विकास कराएगा। यह बात प्रचार प्रसार के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नूर नगर में कही। ब्लॉक किशनगढ़वास पार्टी प्रवक्ता रहमत शाह अलवी ने बताया कि शुक्रवार को कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने विधानसभा किशनगढ़वास के दर्जनों गांव का तूफानी दौरा कर ग्राम पंचायत बम्बोरा, भास्करपाल नगर, तरवाला, मीर का बसई, नूर नगर, नांगल मोजिया आदि मुख्यालयों पर दौरा किया, जहां पर उनका लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया तथा भारी समर्थन मिला। इस दौरान भंवर जितेंद्र सिंह के साथ डॉक्टर करण सिंह यादव, जिला प्रमुख रेखा राजू यादव, जिला उपाध्यक्ष संजीव सिंह बारेट, विनोद सहगल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई भी कैंडिडेट आ जाता है जिसको कुछ भी नहीं मालूम अलवर की भौगोलिक स्थिति के बारे में, अलवर की जनता की समस्याओं के बारे में, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा अलवर बहुत एक तरह से राठ का इलाके के अंदर अलग समस्या है, हमारे राजगढ़ क्षेत्र में अलग समस्या है, वहाँ यूथ की अलग समस्याएं हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ खुली हुई हैं, यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है, वो किस तरह से आएगी यही नहीं मालूम उनको। मैंने सुना है वो पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पहले सवाल पैदा हो जाता है कि जो मेरी पानी की योजना, चंबल की योजना जो सैंक्शन करी हुई थी, जवाब आज उनको देना पड़ेगा 5 साल उसको क्यों नहीं चालू किया, क्योंकि सैंक्शन हमारी थी, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, टेंडर हो गए, पूरा डीपीआर सर्वे हो गया, तो वो ये सारी बातें आज अलवर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और पूछना चाहती है। इसलिए जनता के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है, वो एक क्षेत्रीय और लोकल कैंडिडेट चाहते हैं जो उनकी समस्या है। सर, एक कंप्लेंट जो बहुत पॉपुलर हो रहा है अलवर के विकास के लिए, मैं हूँ जितेंद्र सिंह, ये आपके चुनाव का नया तरीका है या जनता की भावना? ये जनता ने, ये हमने जनता की भावना को ही उजागर करके ये पैम्फलेट बनाया है, ये पोस्टर बनाया है, क्योंकि आज चुनाव जनता लड़ रही है तो हर व्यक्ति बोल रहा है कि मैं हूँ जितेंद्र सिंह, तो हर वोटर जो है वो जितेंद्र सिंह बनके चुनाव लड़ रहा है। विकास के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे? विकास के लिए हमारी सबसे पहले तो हमारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं जिनने बंद करी थी उनको हमारा चालू करने का होगा। रोजगार के लिए हमारे का हम फोकस देंगे कि लोकल लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। इस क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री के अंदर लोकल लोगों को बढ़ा दिया जाता है, तो वो एक हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ हमारी जो पानी की योजना है, चंबल की पानी की योजना है, यमुना की पानी की योजना है, उसको हम सभी देखिए।